हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मॉम्स किचन। तो आज हम बनाएंगे अंडा करी, वो भी बिना अंडे का। तो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, लग रही ना एकदम अंडे की तरह। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए, इसका अंदर में देखिए लग रहा है ना एकदम कुसुम की तरह, बट ये अंडा नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर ली हूँ एक प्याज, एक टमाटर, दो मिर्ची, थोड़ी सी अदरक लहसुन। इसको मैं पहले से ही कट कट करके रखी थी। तो इसका बना लेंगे एक पेस्ट। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ली थी पनीर, जो कि इसमें मैं नमक हल्दी रखी हूँ। और यहाँ पर ली हूँ मैं आलू, आलू को अच्छे से मैश कर ली थी, और इसमें सिर्फ नमक की थी ऐड। तो पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्दी नमक को, और इसको एक बॉल की तरह बना लेंगे, छोटा छोटा एकदम। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे एकदम हल्के हाथों से। तो मैं यहाँ पर ली हूँ कॉर्नफ्लावर, और एक चम्मच इसमें डालूँगी आलू में, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाथ को चिकना कर लेती घी से, ताकि ये आलू चिपके ना हाथ में। तो जिस तरह से पूरी भरते हैं ना आलू पूरी में, उसी तरह से इसमें भरेंगे, और उसी तरह से बंद करेंगे उसको, और इसको शेप देंगे, ओवल शेप, अंडे के आकार। तो ये देखिए इस तरह से। तो बस हो चुकी थी साड़ी रेडी। तो मैं यहाँ पर ली हूँ दो बड़ा चम्मच बेसन, इसमें नमक की थी ऐड। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिला के ये करेंगे, एक स्मूथ सा ये बनाएंगे टेक्सचर, ताकि जिस तरह से पकौड़ों के बनाते हैं ना उसी तरह से। तो ये देखिए इसका थिकनेस इस तरह से रहेगा। ज़्यादा पतला करेंगे तो जब वो तेल में जाएगा तो फैलेगा। तो बस इसमें मैं डिप की हूँ। और ये है ब्रेड का बूरा, पहले से मैं रखी थी ग्लैंडर में ये करके। तो इसको भी इसमें कर लेंगे डिप, और इसको हल्के हाथे से थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि ये निकले ना बाद में। अब बस हो चुकी थी साड़ी रेडी। तब इसको हम लोग करेंगे डीप फ्राई। तो मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ली हूँ, इसमें पहले से रखी थी ऑयल। अब इसमें रखेंगे एकदम लो, यहाँ पर एकदम लो कर देंगे फ्लेम, नहीं तो ये जल जाएगी। तो बस एक तरफ से हो चुके थे फ्राई, अब दूसरी तरफ से भी कर लेंगे इसको पलटा के, आराम आराम से पलटाएंगे, नहीं तो टूट जाएगी, क्योंकि आलू तो नरम होती है ना, और पनीर भी, इसलिए।
तो बस ये अच्छे से हो चुकी थी फ्राई। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पर एक ली हूँ पैन, इसमें थोड़ा सा रखी ऑयल। अभी यहाँ पर मैं डाली हूँ जीरा, और ये है थोड़ी सी दालचीनी, दो लौंग और दो इलायची और एक तेज़पत्ता। तो ये सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर रख रही हूँ मसाले, जो कि हम लोग पहले ही रखे थे कट करके शुरू में ही, वही वाला है। तो पहले इसको फ्राई करूँगी, इसके बाद डालेंगे इसमें सूखा मसाला। तो मैं यहाँ पर डाली हूँ जीरा पाउडर, ये हल्दी पाउडर, यहाँ धनिया पाउडर और बस थोड़ी सी नमक। अब इसको भी पकाएंगे। तो मैं यहाँ पर ली हूँ एक छोटी कटोरी काजू और थोड़ी सी किशमिश, और इसमें थोड़ा सा डालूँगी पानी और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। काजू किशमिश को भी करेंगे ब्लेंड करेंगे, उसको इसी में डालेंगे। तो बस हो चुकी थी तो इसमें मैं डाल दी थी काजू किशमिश का पेस्ट। तो ये पक चुकी थी तो मैं इसमें अब डाल दूंगी पानी और इसको बॉयल होने तक पकाएंगे। तो ये हो चुकी थी बॉयल, तो मैं इसमें रखी हूँ एक चम्मच मलाई और इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। और यहाँ पर मैं रखी हूँ थोड़ी सी गरम मसाले, तो यहाँ पर मैं ली हूँ जो पहले हम लोग फ्राई करके रखे थे वो, और इसमें डाल रही हूँ मसाले और इसको अच्छे से कर देंगे, इसमें डीप कर देंगे। और ये जितना खड़ा मसाला है उसको निकाल देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ता भी रख देंगे गार्निश के लिए। तो अगर आज की आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब